नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत है आपका। मैं मनीषा, और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो की एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाएगी। करीब 29.5 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन पर 21 स्टेशन होंगे, इनमें से 15 नोएडा में और 6 ग्रेटर नोएडा में हैं। सीएम योगी केवल एक्वा लाइन ही नहीं बल्कि 7 प्रोजेक्ट के लोकार्पण के साथ ही नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। नरेंद्र ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? ग्रेटर नोएडा को नई सौगात मिलने वाली है मेट्रो की। जी मनीषा जी, अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हैं मेट्रो डिपो पर, और यहाँ पे अभी इन्होंने एक्को मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है, और आज ग्रेटर नोएडा वासियों में काफी खुशी की लहर दौड़ी है। जी नरेंद्र, आपने वहां के स्थानीय लोगों से बात की, कितनी सहूलियत वहां के लोगों को मिल पाएगी, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि और कौन से नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है आज? अभी हमने लोगों से बात की, तो उन्होंने उनके उसमें काफी खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से और दिल्ली जाने वालों के लिए सबसे बड़ी उनके लिए सौगात है कि ग्रेटर नोएडा में काफी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, उनके लिए मेट्रो की काफी अच्छी सुविधा होगी, उनमें काफी खुशी की लहर है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रॉनिक्स उसका सिटी का और यमुना ब्रिज पुल का भी शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या शेड्यूल बताया जा रहा है, जो मेट्रो स्टेशन है उसके उद्घाटन के बाद क्या कहां जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लोगों को फायदा मिलने वाला है, ग्रेटर नोएडा पर मेट्रो को देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी है। एक्वा लाइन मेट्रो की सौगात मिल चुकी है ग्रेटर नोएडा के लोगों को। और वही रोजगार और शिक्षा में 10% जनरल कोटे पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस मुद्दे में नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 4 हफ्तों में सुनवाई करेगा। आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि यह संविधान की मौलिक भावना के साथ छेड़छाड़ है। अब केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में इस मामले में अपना पक्ष अदालत के सामने रखना है। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जैश मोहम्मद के दोनों आतंकी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते थे। इन्होंने इंडिया गेट, राजघाट, लाजपत नगर मार्केट, पालिका बाजार और राजपथ पर ग्रेनेड से हमले की साजिश रची थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। आतंकी अब्दुल लतीफ जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 महीनों में जितने भी ग्रेनेड हमले हुए हैं उनका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी लाल चौक जम्मू कश्मीर भी गया था, जहां उसे एक ग्रेनेड और 20 कारतूस भी मिले थे। आतंकी अबू मौज ने ही अब्दुल लतीफ को ग्रेनेड से जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले करने के आदेश दिए थे। अब्दुल लतीफ पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से टेलीग्राम व्हाट्सएप पर बात करता था। छब्बीस जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। आगरा के कैंट रेलवे, सीआरपीएफ और जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया।
आरपीएफ और जीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर ट्रैकिंग अभियान चलाया। ट्रेन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और वेटिंग रूम में भी ट्रैकिंग की गई। साथ ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने देर रात एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर लॉन्च किया है, जिसे छात्रों द्वारा बनाया गया है। इसका नाम क्लासमेट रखा गया है। माइक्रोसेट आर भारतीय सेना का उपग्रह है। इसके माध्यम से सेना को निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसरो के 2019 से पहले मिशन में 28 घंटे की उल्टी गिनती के बाद रात 11:57 पर PSLV-44 ने उड़ान भरी। इस कामयाबी की बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि प्रियंका गांधी पर राहुल गांधी ने ठीक वक्त पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की राजनीति से पर इसका असर पड़ेगा। देश की जनता भी चाहती थी कि प्रियंका आगे आए। उन्होंने कहा कि प्रियंका के आने से यूपी के अंदर अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी। राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी को मंदिर से कोई सरोकार नहीं है। 2019 में नरेंद्र मोदी अपने घर गुजरात जाएंगे। देखिए, ये हमारी यूथ कांग्रेस की रैली है, कन्याकुमारी से निकली है और पूरे देश का भ्रमण कर रही है। यहाँ पे उसकी पब्लिक मीटिंग है, उसी को अटेंड करने के लिए मैं आज मुरादाबाद आया हूँ। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनी है। राहुल गांधी ने ठीक वक्त पे, ठीक समय पे एक बड़ा फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बच्चे को उठा उठा कर पटक रहा है, जिसे देखकर आप विचलित भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये वीडियो गुजरात के वलसाड़ का है। वीडियो में जो व्यक्ति है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर है, बच्चे को पीट रहा है। लाइव 24 की वीडियो को वलसाड़ से होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गौ रक्षा की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्रशासन की लापरवाही सरकार की पोल खोल रही है। ये मामला यूपी के बांदा का है, जहां ओरन कस्बे में बनी नगर पंचायत के बाड़े में रोजाना गाय बीमारी और भूख से मर रही हैं। गाय और बछड़ों के शव को कुत्ते खा रहे हैं। करीब 1 हफ्ते से सिलसिला चल रहा है, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मान लो यहाँ बस ये पानी, मान लो गंदा पानी भरा हुआ पैरा आता है बस यही गाँव के लिए इलाज। मान लो मैं एक बाहर ये परसों आया था यहाँ, तो मैं यहाँ देखा था 3 गाय जो है मरी पड़ी थी। अच्छा। वहीं संभल के गुन्नौर इलाके के लोग आदमखोर के भय से जी रहे हैं। 1 महीने के अंदर आदमखोर 2 बच्चों की जान ले चुका है। गुरुवार को भी 2 बच्चों को ग्रामीणों ने आदमखोर जानवर के चंगुल से छुड़ाया, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। आदमखोर जानवर के हमले की घटना गुन्नौर थाने के गाँव काशीपुर की है। संभल के गुन्नौर इलाके में करीब 2 महीने से आदमखोर होने की सूचना है। इलाके में तेंदुआ होने की बात कही जा रही है। लतीफपुर धीर और नगला अजमेरी में आदमखोर जानवर 2 बच्चों को शिकार बना चुका है, लेकिन वन विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। पिंजरा लगाया गया, लेकिन बाद में पिंजरा भी हटा दिया गया। हाँ, ये जानवर निश्चित रूप से गिरिया है और ये छोटे बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। इसने इससे पहले हकीमपुर गांव में किया था, इसके बाद अभी यहाँ लतीफपुर धीरी में किया है और आज शाम को इसने 2 बच्चों पर अटैक का प्रयास किया है। हम लोगों ने इसे पिंजरा लगवाया है, उसके बाद हम जाल की व्यवस्था भी करें। जाल यहाँ नहीं मिल पाया तो हम लोग उसको नोएडा से मंगवा रहे हैं। उसके बाद और भी प्रयास करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स की टीम को भी लखनऊ से मंगवाने का प्रयास करें। इसलिए हमने पत्र लिखकर अनुरोध किया हुआ है और बहुत जल्दी इस संकट को हम खत्म करना चाहेंगे।
और वही बहराइच जिले की कैसरगंज पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय चोरों के गैंग से दो लुटेरों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की 9 बाइक बरामद की गई हैं। ऑटो लिफ्टर गैंग के लुटेरे लखनऊ में दिन में ऑटो रिक्शा चलाते थे और रात में बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों ने कई मामलों में लिप्त होने की बात भी कही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एटा में नगर पालिका के ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से क्षुब्ध होकर ठेकेदारों ने नगर पालिका परिषद में काम कर रहे बाबुओं को कमरे में बंद कर धरने पर बैठ गए। साथ ही ठेकेदारों ने ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 3 साल से नगर पालिका ने हम लोगों को पेमेंट नहीं किया है, जिससे हम लोग भुखमरी के कगार पर है। इनकी लिखित शिकायत हम लोगों ने जिले के आला अधिकारियों को भी दी है, उसके बाद भी हमारा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। यूपी के हापुड़ के धौलाना इलाके के पिपलेड़ा में एक बार फिर एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस ने शहजाद नाम के युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की, जिसके बाद एनआईए की टीम छोड़कर वापस चली गई। एनआईए ने 12 जनवरी को भी पिपलेड़ा गांव के निवासी शहजाद को हिरासत में लिया था। गुरुवार को एक बार फिर एनआईए की टीम पिपलेड़ा पहुंची और उसको सात थाने लेकर आई। 3 घंटे से अधिक पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए शहजाद के पास मेरठ के रहने वाले अफसर ने को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिसके शहजाद से तार जुड़े हुए थे। एनआईए ने 12 जनवरी को शहजाद को हिरासत में लिया था, तो उसके पास से एक मेमोरी कार्ड और कुछ कागजात बरामद हुए थे। यूपी के बलिया में शिक्षक शिक्षा विभाग के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। मामला बलिया जिले के गढ़वार विकास खंड शिक्षा क्षेत्र के एक वारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए शासन ने 3 सहायक अध्यापक नियुक्त किए हैं, लेकिन ये अध्यापक विभाग को धोखा दे रहे हैं और बिना पढ़ाए ही हेडमास्टर और खंड शिक्षा अधिकारी की मेहरबानी से वेतन ले रहे हैं। जिस सहायक अध्यापक की जगह बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाने के लिए 3 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। यही विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को विद्यालय का पूरा नाम तक याद नहीं है। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद में जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनकी समय से विद्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और उपस्थिति सुनिश्चित हो भी रही है। इसके लिए लगातार विभागीय निर्देश भी है और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार खंड शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग में भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार जो है अगर इस तरीके की अगर कोई शिकायत आती है तो तत्काल संज्ञान लेकर की कार्रवाई। वहीं आगरा के शमशाबाद में झमाझम बारिश के साथ ओले की बरसात हुई। ओले पड़ने से जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। किसानों के लिए बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। बारिश और ओलों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, खेत जलमग्न हो गए हैं। बारिश होने से मौसम भी काफी सर्द हो गया है। वहीं आगरा के एतमादौला के गुलाब नगर में नमकीन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के गार्ड को सूचित करने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
26 जनवरी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं इस बार सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए खास तरह के कैमरों को लगाया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी के परेड रूट पर तीसरी आंख सब कुछ खामोशी से नहीं देखेगी, बल्कि देश विरोधी तत्वों को देखते ही शोर भी मचाएगा। सही सुना आपने, सुरक्षा एजेंसियां इस बार परेड रूट पर पहली बार 30 ऐसे स्पेशल सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही हैं, जो चेहरा पहचानने की अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन कैमरों के डेटाबेस में उन सभी आतंकियों, देश विरोधी संदिग्धों और कुख्यात अपराधियों का डेटा रिकॉर्ड है, जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। जो 26 जनवरी की सुरक्षा इंतजामों के बीच कोई साजिश कर सकते हैं, ऐसे चेहरों को देखते ही ये कैमरे उस पर फोकस हो जाएंगे और कंट्रोल रूम को उसकी लाइव फुटेज भेजने के साथ अलार्म भी बजा देंगे। इन खास कैमरों का नाम फेस रिक्यूनाइज्ड कैमरा है। इन कैमरों का कंट्रोल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के पास रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें सादे कपड़ों में इन कैमरों के आसपास तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत ही देश विरोधी तत्वों की धरपकड़ हो सके। ये कैमरे 26 जनवरी के कार्यक्रम स्थल पर एंट्री गेट, वीआईपी मंच, प्रांगण जैसी जगहों पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, अतिरिक्त सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियों के अधिकारी भी मौके पर तैनात रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन कैमरों का ट्रायल पिछले साल 15 अगस्त को किया गया था। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर इन कैमरों का परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन अब पहली बार इन कैमरों का इस्तेमाल गणतंत्र दिवस की परेड में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लाइव 24 के साथ।